Well, good morning, students. I hope you all are fine. Well, अभी जो मैं गाना राग विस्तार स्वर विस्तार कर रहा था वो राग यमन का कर रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से राग यमन का स्वरूप है, ठीक है। ऑलरेडी हमने राग यमन के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है ना, कि राग यमन का कैसे चलन है, कैसे किस तरीके से गाया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तीव्र मध्यम का प्रयोग कैसे किया जाता है ना इसमें, क्योंकि तीव्र मध्यम लगता है। तो तीव्र मध्यम का लगाव जो है ना, वो किस तरीके से इस राग में किया जाता है, वो गौर से सुनने वाला सुनने वाली बात है ना। तो इसलिए आप लोगों से सभी से निवेदन है कि वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें है ना, क्योंकि ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें जो है ये क्लासिकल म्यूजिक में काफी मायने रखती है, इम्पोर्टेंट होती है ना। एक भी स्वर यदि इधर का उधर हो गया है ना, मिसप्लेस हो गया, देन एंटायरली राग विल चेंज है ना। फॉर लाइक सपोज इन दिस राग तीव्र मध्यम यदि आप लोग लेते हैं यूजली राग यमन में, बट तीव्र मध्यम के जगह पे यदि शुद्ध मध्यम का आवाज यदि आपने लगाया तो इट विल बी राग बिलावन है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आप लोगों को प्रैक्टिस करते समय। आप लोगों का इसको जो मैंने बताया अभी, जैसे कि तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो आपके पास में यदि कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड है या हारमोनियम है, तो उसमें आप देखना म जो ब्लैक वाली की आती है, यदि ब्लैक वाली की से स्टार्ट कर रहे हैं आप सा, तो म वाली म जो की जो है वो ब्लैक ही आएगी है ना। तो शुद्ध म की जैसे ब्लैक की से चालू करेंगे तो शुद्ध, तो लिसन केयरफुली, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो तीव्र और शुद्ध का डिफरेंस है ना। तो यदि दोनों अलग अलग कीज आप दबा के देखेंगे, प्रेस करके देखेंगे, तो दैट साउंड डिफरेंटली
है ना, दोनों का आवाज जो है तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम का वॉइस जो है, साउंड जो है, दैट इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना। शुद्ध मध्यम की फ्रीक्वेंसी कम है, तीव्र मध्यम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए ये दोनों के साउंड में भी डिफरेंस होना चाहिए। यदि ये डिफरेंस नहीं होगा तो देन राग जो है आप जो गा रहे दैट विल बी टोटली डिफरेंट, है ना, वो चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट स्मॉल स्मॉल चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। वेल दिस वाज द जस्ट स्मॉल टिप्स फॉर यू। ओके, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न स्थाई ऑफ सरगम गीत। ओके, सरगम गीत की जो स्थाई है इस राग की वो हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम इस राग की जो इस राग का जो अंतरा है, सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड अंतरा। ओके, सरगम गीत मैंने ऑलरेडी लास्ट पीरियड में मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, सरगम गीत क्यों बोलते हैं इसे, गाना क्यों नहीं बोलते, बिकॉज इट्स ओनली नो सरगम। सरगम मीन्स ओनली नोटेशन जो रहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड अंतरा। ओके, सेकेंड पार्ट को क्या कहते हैं, अंतरा कहते हैं, और वो अंतरा हम लोग आज सीखेंगे। ऑलराइट, आई थिंक देयर इज अ नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, बट नाउ इट्स ओके। आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन एनीवन जस्ट क्विकली रिप्लाई, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके ना बेटा, यस राइट। तो चलो मैं स्टार्टिंग से ही मतलब आरोह अवरोह से शुरुआत करता हूँ, है ना, क्योंकि हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी आप लोग कोई भी क्लासिकल राग गाते हैं तो सबसे पहले तो अलंकार गाना चाहिए, उसके बाद में उस राग के आरोह अवरोह पकड़ गाना चाहिए। दे टू स्टार्ट विथ सरगम गीत फॉलोड बाय द बंदिश। ओके, तो दिस इज द सीक्वेंस एंड रूल, एक्चुअली इट्स अ ओके, तो यू हैव टू फॉलो वाइल प्रैक्टिसिंग आल्सो दिस रूल। सो विल स्टार्ट विथ आरो आरो एंड पकड़। ओके, नाउ पकड़ा, विल स्टार्ट प म ग रे सा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट सरगम गीत विच इज इन ताल, तीन ताल। ओके, कौन से ताल में, रिदम में है, तीन ताल में, जिसकी 16 बीट्स है। ओके, 16 मात्रा है। राइट, निध प म प ग म प प म ग रे निध प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे गे सा नी रे ग म ध नी सा रे सा नी ध प म प ग म नी रे ग म ध नी सा रे सा नी ध प म प ग म नी ध प म प ग म प प म प म ग रे। नाउ आई विल प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प ध प सा सा ग ग प ध, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, प सा आ सा सेकेंड कॉलम में, ठीक है, देन नी रे ग रे थर्ड कॉलम में,
सा नी ध प वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लिसन वंस अगेन। ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प। फर्स्ट लाइन हो गया अंतरा का, नाउ सेकेंड लाइन आई विल कंटिन्यू। ओके, ग रे सा नी ध प म ग रे सा ग रे सा नी ध प म ग रे सा। ये हो गए सेकेंड लाइन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड लाइन। स्थाई का जैसे थर्ड लाइन सेम है, सेम लाइन अंतरा का भी थर्ड लाइन सेम होगा। ठीक है, कैसे होगा? नी रे ग म ध नी सा रे सा नी ध प म प ग म नी रे ग म ध नी सा रे सा नी ध प म प ग म नी ध प म प ग म प प म ग रे नी ध प म प ग म नी ध प म प ग म नी ध प म प ग म प प म ग रे सा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट एवर द अंतरा पार्ट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ। क्या आप सभी लोग जो ऑनलाइन है वो रिप्लाई कर सकते हैं कि समझ में आया या नहीं आप लोगों को अंतरा पार्ट, स्पेशली अंतरा पार्ट, बिकॉज दिस अंतरा पार्ट आई हैव एक्सप्लेन टुडे ओनली। दैट इज व्हाट आई वांट टू रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, वेदर यू इट्स अ क्लियर। एंड रिमेम्बर दिस लिरिक्स, आई मीन टू से नोट्स जो है इसके अंतरा के, दैट यू हैव टू राइट इन योर म्यूजिक नोटबुक। ऑल राइट, ओके, म्यूजिक नोटबुक में आपको ये अंतरा जो है वो लिखना है। मेक द फोर पार्ट्स, फोर डिवीजन, एंड ईच फोर पार्ट में, ईच डिवीजन में फोर फोर नोट्स लिखना है। ठीक है ना, आप लोग ये सरगम गीत फिर से रिवाइंड करके सुनना आफ्टर दिस क्लास। ओके, इट विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, एंड देन यू प्लीज राइट डाउन स्थाई एंड अंतरा। ओके, स्थाई ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। बेटा फिर लिख के देना पड़ेगा मुझे, कैसे सेंड कैसे करूं मैं, लिख के देना पड़ेगा, है ना, लिख के देना पड़ेगा। आइदर आई विल राइट ऑन द नोटबुक व्हाइट बोर्ड, देन इफ यू कैन राइट डाउन देन आई विल डू दैट, है ना। पिक कैसे भेजेंगे, लिखना पड़ेगा ना उसके लिए, तो शुड आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो प्लीज राइट डाउन ऑल दिस अंतरा पार्ट इन द, ओके, शुड आई राइट, वेट, ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन अंतरा। स्थाई लिखा है आप लोगों ने, क्या स्थाई भी लिख के देना पड़ेगा? प्लीज एनीवन जस्ट रिप्लाई फास्ट, स्थाई भी लिख के देना पड़ेगा या आप लोगों ने लिख लिया ऑलरेडी? आस्मी, कैन यू रिप्लाई फास्ट बेटा, आस्मी मंथनवार। ओके, नॉट रिटन, ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों चीजें लिख के देता हूं, ठीक है ना। ओके, यू राइट फ्रॉम द न्यू पेज इन द म्यूजिक नोटबुक, मेक फोर कॉलम। ओके, फोल्ड करते हैं ना अपन, फोर हाफ फोल्ड करना पेज, देन अगेन उसको और आधा फोल्ड करना, अगेन हाफ फोल्ड।
ओके देन व्हेन यू विल ओपन द पेज इट विल बिकम फोर डिवीजन ओके सो प्लीज राइट डाउन सरगम गीत ओके सरगम गीत इन दिस कॉर्नर यू कैन राइट ताल तीन ताल ओके ताल तीन ताल All right. Here you have to write sai. Okay. Sai means first part of the song. Okay. Then write down like this. Remember here while writing this madhyam should be tivra so you have to write straight line on the ma okay tivra madhyam lagta hai to ma ke upar straight line likhna hai all right and simple will be 0 3 cross 2 okay like that symbol you have to write all right Then second line. Sa re ga re ga ma pa da. Pa ma ga re. Ga re sa. Remember. In this rag, wherever ma comes, you have to give straight line on ma because it's a tivra madhyam. Okay. Then third line, ni re ga ma, dha ni sa re. Sani dhapa ma pa ga ma Okay, students, you can write down now quickly. Okay. लिख लो बेटा जल्दी सब फटाफट हियर यू हैव टू गिव अंडर हेडिंग सरगम गीत ओके देन साई देन ताल तीन ताल ओके दिस थिंग्स यू हैव टू राइट राइट क्विकली बेटा हियर आई विल राइट अंतरा ओके इन सेकंड पार्ट आई विल राइट हियर अंतरा
All right, students. Then again, this line only you have to repeat here. Okay. All of you listen here. अंतरा में जो थर्ड लाइन आएगी वो ये सेम लाइन आएगी. स्थाई में जो थर्ड लाइन आएगी वो सेम लाइन अंतरा में भी आएगी. ठीक है. आई एम नॉट राइटिंग हियर, आप लोग लिख लीजिएगा सेम. ओके, सेम कॉपी करना. स्थाई में जो थर्ड लाइन लिखा है वो यहां पे अंतरा का थर्ड लाइन आएगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. आस्मी, प्लीज रिप्लाई फास्ट नाउ. ऑल ऑफ यू हैव यू रिटर्न बेटा? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई फास्ट बेटा. If it is completed, then I will share the attendance link. Okay, completed na? Right, very good beta. So now you can write down this completely Sargam Gita in your notebook. Okay, here I am sharing attendance link. Beta, is there any doubt or confusion beta regarding this Sargam Gita? Please write down in here in through chat box quickly. कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को? कोई चीज समझ में नहीं आई ऐसा है कुछ? आप लोग बताइए. ओके, नो डाउट्स, वेरी गुड वेरी गुड बेटा. इसका प्रैक्टिस करना है. ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है. ठीक है ना, सिंगिंग करके बताया ऑलरेडी. इसके प्रीवियस आप करेंगे थोड़ा सा तो आप लोगों को मैं गा के दिखाया था ऑलरेडी. हाँ ठीक है ना, वो सुन के इसका प्रैक्टिस करना है. All right, students, with this we will conclude today's class. Okay. Okay. Have a great day. Take care, beta. Stay safe. Stay healthy. Thank you, beta. Bye-bye.